दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जापान के 10 सबसे डरावने अर्बन लेजेंड्स के बारे में, जिनके बारे में जापान के लोग आज भी बातें करते हैं एंड दे आर लिटरली स्केर्ड ऑफ दीज अर्बन लेजेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं द फेसलेस घोस्ट के बारे में, एक बिना चेहरे वाला जैपनीज योकाई यानी भूत, जिसे नोपेरा बो नाम से भी जाना जाता है। ये एक डरावना सा दिखने वाला क्रिएचर है जिसका चेहरा नहीं होता, बाकी फीचर्स उसके इंसानों जैसे ही होते हैं, मगर चेहरा एकदम सपाट, बिना आंख, नाक, मुंह, कान के। पर ऐसा कहा जाता है कि ये योकाई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस वो इंसानों को डराकर इंसानों के साथ मजे लेता है। लेकिन एक डरावनी बात यह है कि ये योकाई आपकी फैमिली या दोस्तों में से किसी का भी रूप धारण कर सकता है और आपके सामने आकर खड़ा हो सकता है। जब आप इसे अपना फैमिली मेंबर समझकर इससे बात करते हैं तो ये तुरंत अपने असली रूप में आकर आपको डराता है, मगर ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी ये है तो एक भूत ही। इसके बाद आता है द रिवर बॉय। ये अर्बन लेजेंड थोड़ा सा असामान्य है। कहा जाता है कि ये नदियों में या तालाब या पोखरों में रहता है। एक छोटे बच्चे सा दिखने वाला ये अर्बन लेजेंड कुछ कुछ कछुए के समान भी नजर आता है। इसकी पीठ में कछुए का शेल होता है और हाथ, पैर और इसका सिर कुछ कुछ इंसानी बच्चे के समान। इसकी स्किन हरे मेंढक के समान होती है। ये थोड़े से मिस्चीवियस टाइप होते हैं। ऐसी कहानियां हैं जहां ये तालाब में नहाने वाली औरतों के कपड़ों के अंदर झांकते हैं और फिर जोर जोर से मुंह से आवाजें निकालते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये नदियों और तालाबों में तैरने वाले लोगों को डुबाकर मार डालते हैं। कई घोड़ों और गायों को भी ये डुबाकर मार चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये अर्बन लेजेंड इन दोनों जानवरों को पसंद नहीं करता। ऐसा भी कहा जाता है कि इनके सर में एक कटोरे जैसा गड्ढा होता है जिसका हमेशा गीला या पानी से भरा होना जरूरी होता है। अगर वो कटोरा सूख गया या खाली हो गया तो इस अर्बन लेजेंड की पावर खत्म हो जाती है और ये मर जाता है। इसके बाद हम जिस अर्बन लेजेंड के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द पेंटेड बुद्धा या नूरी बोटोके। ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अर्बन लेजेंड फूली हुई मोटी तोंद के साथ कुछ कुछ लाफिंग बुद्धा के समान दिखाई देता है, मगर इसका पूरा शरीर काला होता है और पीछे से एक कैट फिश की पूंछ होती है और इसकी आंखें भयानक और एकदम डरावनी बाहर को निकली हुई होती है। जब ये आसपास होता है तो माहौल में एक बहुत ही गंदी स्मेल होती है। अब जापान के हर घर में एक बुद्धिस्ट मंदिर होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर वो मंदिर खुला रह गया या आपने उसे अच्छे से नहीं रखा तो ये अर्बन लेजेंड उस मूर्ति में से बाहर निकल आता है, और जब ये बाहर निकल जाता है तो ये लोगों का दिमाग फिराकर उन्हें पागल कर देता है, जिससे वो रात भर नाचते रहते हैं। लेकिन फिर पूजा पाठ करके ही इस अर्बन लेजेंड को शांत किया जाता है। इसके बाद जो अर्बन लेजेंड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द ह्यूमन पिलर या मानव स्तंभ। ये सच में थोड़ा सा डरावना अर्बन लेजेंड है। जापान में ह्यूमन पिलर उन पिलर्स को कहा जाता है जिनके बारे में ये मान्यता होती है कि उन पिलर्स के अंदर इंसान को जिंदा चिनवाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ब्रिज या बड़ी बिल्डिंग के पिलर में जिंदा इंसान को दफनाकर उसकी बलि दी जाए तो वो बिल्डिंग या ब्रिज सालों साल खड़ा रहता है, उसे कुछ नहीं होता, मगर वहीं दूसरी तरफ वो बिल्डिंग हॉन्टेड हो जाती है क्योंकि पिलर के अंदर दफन इंसान की आत्मा उस बिल्डिंग में रहने लगती है और लोगों को डराती है। जैसे मत्सु कासल, एक किला जिसके निर्माण के दौरान उसमें एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया था और अब उसकी आत्मा उस कासल में सबको डराती है। कई बार वह पूरा कासल जोर जोर से हिलने लगता है, तब लोग कहते हैं कि वही भूत है जो इसे हिला रहा है। इसके बाद जो अर्बन लेजेंड आता है उसका नाम है सुकीमाउना, द गर्ल इन द गैप। इस अर्बन लेजेंड के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आपके घर के फर्श या दीवार की क्रैक्स में या फिर दरवाजे खिड़की के बीच के गैप्स में या बेड के नीचे या अलमारी के पीछे एक लड़की का भूत रहता है और वो आपको घूरता रहता है। अगर आपने उसकी आंखों में देख लिया तो वो आपको अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने को कहेगी और मौका मिलने पर वो आपको उस क्रैक या गैप के अंदर खींचकर आपको एक दूसरी ही मौत की दुनिया में लेकर चले जाएगी। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ये लड़की आपको तब तक देखती रहती है
जब तक आप मर नहीं जाते। इसके बाद वाले अर्बन लेजेंड का नाम है ड्रीम स्कूल। इसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक लड़के को स्कूल का सपना आया। उस अर्बन लेजेंड के अनुसार एक बार एक लड़के ने अपने सपने में स्कूल देखा। वो अपने स्कूल के अंदर था। उसके स्कूल में लंबे लंबे कॉरिडोर्स थे जो खत्म ही नहीं हो रहे थे। कुछ सीढ़ियां थी जिनसे वो लड़का चढ़ने उतरने की कोशिश करता तो वो बार बार उसी फ्लोर पे पहुंच जाता जहां वो खड़ा था। कुछ भी करके वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके करीब आ रहा है तो वो दौड़कर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। इमरजेंसी एग्जिट में एक कांच का बॉक्स रखा हुआ था जिसमें दरवाजे की चाबी रखी हुई थी। उस लड़के ने वो बॉक्स तोड़ा मगर उसमें चाबी नहीं मिली बल्कि एक पर्चा था जिसमें लिखा था कि चाबी रूम नंबर 108 में है। लेकिन जब वो लड़का रूम नंबर 108 में गया तो उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि उस रूम में कोई नहीं था। बस कुर्सी और मेजें लगी हुई थी और उनके ऊपर हवा में बच्चों के बैग लटके हुए थे। वो भागते हुए वापस हॉल में आया जहां उसने देखा उस स्कूल के सभी बच्चे मरे पड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चा अभी तक अपने सपने से बाहर नहीं निकल पाया है। वो आज भी कोमा में है। कहते हैं कि वो अभी तक अपने सपने में कैद है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेजेंड्स ये भी कहते हैं कि अगर ये कहानी सुनने के बाद आपको वो सपना आया तो समझ लीजिए कि आप अब कभी नहीं उठने वाले। क्या लगता है आपको, क्या ये सिर्फ एक मिथ है या सच? कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं द अर्बन लेजेंड चोचिन ओबाके के बारे में। चोचिन ओबाके या पेपर लैंटर्न एक नॉर्मल लैंटर्न होता है मगर अगर वो लैंटर्न को इस्तेमाल करते करते 100 साल पूरे हो चुके हैं तो वो एक क्रिएचर में बदल जाता है। इस अर्बन लेजेंड्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि हर एक चीज के अंदर आत्मा होती है चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग। चोचिन ओबाके दिखने में डरावना जरूर होता है। इसका चेहरा लालटेन जैसा होता है, आंखें चौड़ी, कभी कभी इसकी सिर्फ एक आंख होती है, मुंह खुला हुआ और जीभ बाहर निकली होती है। मगर ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस ये उन भूतों में से एक है जो सिर्फ इंसानों को डराकर खुश होते हैं। ये किसी की जान नहीं लेता। ये इंसानों को देखकर अपना मुंह खोलता है और जीभ बाहर निकालता है और फिर एक आंख को गोल गोल घुमाकर इंसानों को डराता है। इट्स काइंड ऑफ फनी बट आफ्टर ऑल इट्स अ घोस्ट। अब बात करते हैं अगले अर्बन लेजेंड के बारे में, द घोस्ट ऑफ ओकिकू। ओकिकू एक जवान लड़की का नाम था जो एक किले में समुराई राजा की दासी थी। ओकिकू का काम था उस राजा की 10 सबसे कीमती प्लेट्स की देखभाल करना। एक दिन ओकिकू उन प्लेट्स को गिन रही थी। जब उसने गिना तो वहां सिर्फ 9 प्लेट्स थी, एक प्लेट गायब थी। ओकिकू परेशान हो गई और उन प्लेट्स को बार बार गिनने लगी। उसे लग रहा था कि शायद उससे गिनती में गलती हो रही है, इसलिए वो उसे बार बार गिनती रही। जब समुराई को पता चला कि एक प्लेट गायब है तो उसने ओकिकू को एक कुएं में फिकवा दिया। मगर ओकिकू की आत्मा को शांति नहीं मिली और वो रोज रात को उस कुएं से रेंगते हुए बाहर निकलती और उन प्लेट्स के पास आती। और जब उसे सिर्फ 9 ही प्लेट्स मिलती तो वो जोर जोर से चीखती। उसकी चीख पूरे किले में गूंज उठती। उसके भूत को उस किले की बाकी दासियों ने उन प्लेट्स के पास खड़े देखा था। एक महीने तक ओकिकू उस किले में ही घूमती रही। फिर एक दिन एक पुजारी को बुलाया गया और ओकिकू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मगर कहते हैं कि ओकिकू आज भी उस इलाके में घूमती दिखाई दे जाती है। अब हम बात करने वाले हैं अगले अर्बन लेजेंड टेक टेक के बारे में। बेसिकली टेक टेक एक साउंड है जो उस आधे शरीर वाली लड़की के हाथों में से आती है क्योंकि वो हाथों के सहारे चलती है। कुछ साल पहले स्कूल के कुछ लड़कों ने अपनी क्लास की एक सीधी सादी लड़की को रेलवे ट्रैक में धक्का दे दिया था। उस लड़की का पैर उस ट्रैक में फंस गया और कुछ ही देर में वहां से एक ट्रेन गुजरी और उस लड़की के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। वो लड़की अपनी कमर से 2 भागों में बट चुकी थी। कमर से ऊपर वाला शरीर बहुत देर तक जिंदा था। वो लड़की सभी से मदद मांगती रही मगर किसी ने उस लड़की की मदद नहीं की और फिर वो लड़की उस ट्रैक में पड़े पड़े ही मर गई। जापान में लोग मानते हैं कि टेक टेक आज भी रात में जापान की सुनसान सड़कों में घूमती है और लोगों से पूछती है,
मेरा आधा शरीर कहाँ है? अगर आपको कभी रात में टेक टेक मिल जाए और आपसे पूछे कि मेरा आधा शरीर कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर वन पे है जापान की सबसे खतरनाक योकाई कुची साकेओना। कुची साकेओना एक औरत थी जिसके पति ने उसका चेहरा अपनी तलवार से काट दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि कुची साकेओना का एक दूसरे समुराय से अफेयर है। कुची साकेओना का शरीर तो मर गया, मगर उसका भूत आज भी चेहरे में मास्क पहने जापान की सड़क में हाथ में कैंची लिए घूमता है। कुची साकेओना राह चलते छोटे बच्चों को रोकती है और उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर वो बच्चे बोलते हैं हाँ, तो कुची साकेओना अपना मास्क हटाकर उनसे फिर पूछती है, क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ? बच्चे ना बोलते हैं तो वो अपनी कैंची से बच्चों का चेहरा भी काट देती है। अगर कभी आपको कुची साकेओना मिल जाए और पूछे कि क्या मैं सुंदर हूँ, तो बचने के लिए आप क्या जवाब देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थे जापान के 10 डरावने अर्बन लेजेंड्स। क्या आप अपने आसपास किसी अर्बन लेजेंड के बारे में जानते हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूं। धन्यवाद।